हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट आइडियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सितंबर 2021 की जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। और ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो कि आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो ये किसकी पहल है? छत्तीसगढ़ राज्य की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये कहाँ की है? ये है छत्तीसगढ़ की एक पहल है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं ऊंची कूद से। किससे जुड़े हैं? ऊंची कूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस देश ने भविष्य में मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने भविष्य में मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो ये किया है केरल ने। केरल राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया? तो ये मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो ये कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष योजना किस लागू की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो विधेयक है ये उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी फिलानिप्पन 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? ये जापान में। कहाँ पर की गई थी? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कसाई नदी किस देश में स्थित है? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहाँ पर है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ये है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बहलन कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? शैलेंद्र सिंह को। इन्हें बहलन कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पीयूष गोयल को। किसे किया गया है? पीयूष गोयल को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस देश के साथ भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर्स विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो ये किस देश के साथ की है? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ इंडिया ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर
विंड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फिक्शन किसने जीता है? ये जीता है सुजाना क्लार्क ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई? ये हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, भारत ने किस देश के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की है? तो भारत ने जापान के साथ, किसके साथ? जापान के साथ समुद्री मामलों की वार्ता आयोजित की है। ये कब? सितंबर 2021 में। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया था? तो ये किसे किया गया था? महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किसे किया गया है? INS हंस को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस तारीख को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? ये 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस और विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया गया? 16 सितंबर को। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया? ये उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? ये किया है जमशेदपुर में। कहाँ पर? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किन देशों के साथ अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है? तो किन देशों के साथ? ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ अमेरिका ने हिंद प्रशांत के साथ के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा पर 4 लोगों को लॉन्च किया है? ये किया है SpaceX ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो ये किसने की है? नीति आयोग ने। किसने की है? ये नीति आयोग ने की है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस संगठन ने प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ये किया है MyGOV इंडिया ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, स्वच्छता पखवाड़ा 2021 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा 2021 ये कहाँ पर? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में। कहाँ पर किया गया है? कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में लॉन्च किया गया है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय समान वेतन विश्व बांस दिवस और अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है। तो ये किया है कानून एवं न्याय मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य ने कूपर महासीर को राज्य मछली घोषित किया है जिसे स्थानीय रूप से केटली नाम दिया गया है। तो ये किस राज्य ने किया है, सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इसरो के तहत अंतरिक्ष विभाग ने किस संगठन के साथ अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए एक रूपरेखा समझौता किया है। तो ये किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कौन सी संस्था हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करती है। तो ये करती है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो संस्था जो है वो हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य ने, केरल ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, कौन से दो देश रक्षा अभ्यास समुद्र शक्ति में भाग ले रहे हैं। तो ये समुद्र शक्ति किन के बीच हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, तांगानिका झील कितने देशों के द्वारा साझा की जाती है। तो ये की जाती है 4 देशों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस राज्य ने धार्मिक संरचना संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। तो ये किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को किस संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये किया गया है IFAD के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उड़ीसा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर में आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का, आकाश प्राइम, किसका है, आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है। ये की गई है पूर्णिमा तिवारी को। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ट्यूनीशिया देश में पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है नजला बोंदेत रमजाने को। किसे किया गया है, ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बोंदेत रमजाने को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोगों के सितंबर मंथ के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो आप लोगों के इस वीडियो में है। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।